नमस्कार दोस्तों, आज हम अब लेके आए हैं एक यूनिक सा केस है, अलग केस है, थोड़ा डबल हुप प्रॉब्लम का केसेज है जो अक्सर डेयरी फार्मों में देखा जा सकता है। इसके अंदर कुछ फॉरेन मटेरियल जो है वो काफ़ी अंदर तक पेनेट्रेट हो चुका है, जिसके कारण से गाय काफ़ी टाइम से लेमनेस में है। एंड आप देख सकते हैं कि कितना और ग्रोथ हो चुका हो एंड अंदर इन्फेक्शन भी है और कुछ फॉरेन मटेरियल भी हो सकता है, जिसके चलते ये काफ़ी टाइम से लेमनेस में है। अक्सर डेयरी फार्मों में ऐसे केसेज आते रहते हैं, तो इससे काफ़ी नुकसान भी होता है, प्रोडक्शन लेवल भी कम हो जाता है। तो ये यूनिक सा केस है और इसके अंदर क्या है वो उसको नाइफ से देखना पड़ेगा उतार के। ये सोल पूरा डबल सोल का प्रॉब्लम है, जो ये ऊपर का जो सोल है वो हटाना पड़ेगा। इसके अंदर कुछ फॉरेन मटेरियल है, उनको भी रिमूव करना पड़ेगा, तभी इनको ये आसानी से चल पाएगी या लेमनेस भी कम हो सकता है उसका। तो देखते हैं इसको रिमूव करके क्या निकलता है इसके अंदर, तो बने रहिए लास्ट तक। और हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसे ही नए नए केसेस के लिए। तो देखते हैं इसके अंदर क्या है, चलो देखते हैं। अब हम इसको रिमूव करते हैं एंड देखते हैं इसके अंदर क्या है, अंदर क्या हो सकता है। तो आप देख सकते हैं कि काफ़ी ऐसे फॉरेन मटेरियल जैसे डंग है एंड कुछ सोल है वो आपको दिख रहा है। देखो काफ़ी जमा हुआ है अंदर, स्टोर होता है, काफ़ी पेनेट्रेट है ये भी, बहुत कुछ निकल रहा है इसके अंदर। और ये पूरा होल हटाना पड़ेगा तभी ये केटल जाके मतलब रिकवर हो पाएगी। एंड आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा मतलब अंदर फॉरेन मटेरियल खड़ा हुआ है, इसी वजह से ये लेमनेस है। कुछ स्टोन भी है जो देख सकते हैं आप, ये देखो स्टोन है जो काफ़ी पेनेट्रेट हो चुके हैं, इसको भी रिमूव करते हैं। ये स्टोन है यहाँ पर जो अंदर तक काफ़ी पेनेट्रेट है, इसको भी रिमूव करना पड़ेगा। ये हमारे पास इक्विपमेंट है निकालने का, इससे हम निकाल लेते हैं। पत्थर है छोटे छोटे, अब इसको पूरा रिमूव करते हैं, देखते हैं क्या होता है। ये टाइम पे हुप ट्रिमिंग नहीं करने का वो है नतीजा, जबकि हर 3 महीने में एक बार हुप ट्रिमिंग हो जानी चाहिए काफी, एटलीस्ट कम से कम ईयर में ईयरली 2 टाइम तो हो जानी चाहिए। ड्राई अप के टाइम तो डेफिनेटली करनी चाहिए, एक प्रोटोकॉल होता है इसमें, इसको भी एक हुक ट्रिमिंग को भी एक अहमियत तो रहता है। तो हुक ट्रिमिंग ईयरली 2 टाइम तो करना ही चाहिए एटलीस्ट। तो हमने इसको रिमूव कर दिया है एंड थोड़ा सोल और रिमूव कर देते हैं ताकि ये इसका पोजिशन है वो बना रहे एंड ये सोल काफ़ी सॉफ्ट है अंदर से, तो ये टिके ना, पूरा सोल भी ना टिके एंड पोजीशन भी बनी रहे, इसकी चलने में दिक्कत ना हो। तो हम इसको होल थोड़ा रिमूव कर देते हैं एंड इसको फॉरन बॉडी को पूरी निकाल दी एंड देख सकते हैं कुछ और भी है मेटेरियल, उसको भी रिमूव कर देते हैं। फाइनली हमने सोल को रिमूव कर दिया है पूरा एंड जो भी अंदर मटेरियल था फॉरेन मटेरियल वो निकाल दिया और काफ़ी सॉफ्ट है देख सकते हैं आप। एंड होम हेमोरेजिस कुछ पैचेस भी हैं जो काफ़ी हद तक प्रॉब्लम कर सकते हैं, इसीलिए हम इसको भी रिमूव कर देते हैं एंड दूसरे वाले हुक को भी ट्रिमिंग कर देते हैं ताकि दोनों पैर की पोजिशन सही बनी रहे एंड वॉकिंग में प्रॉब्लम ना आए। तो इसलिए हमने सारा मटेरियल निकाल के इसको सही कर दिया एंड सर्जिकल बैंडेज कर देते ताकि गंदगी न जाए।
तो हमारे YouTube चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बने रहे लास्ट तक। एंड अगले वीडियो देखते हैं, कुछ यूनिक सा वीडियो लेके आते हैं।